Hey guys, from this three equation we have to find out which equation is exactly identified or over identified or under identified. So question mein hai ki this equation we have to solve that is equation mein which is is this equation is exactly identified or under identified or over identified. This is on econometrics मॉडल इकोनोमेट्रिक्स का एक क्वेश्चन है. ठीक है, सो देर इज़ अ फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू सॉल्व इट. ओके, देर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज गोस लाइक एन माइनस के इज इक्वल टू जी माइनस वन. अगर ये इक्वल हो गया एन माइनस के इज इक्वल्स टू जी माइनस वन देन दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड. एंड इफ इट इज एन माइनस के इज ग्रेटर देन जी माइनस वन दिस इज ओवर आइडेंटिफाइड. If n minus k is less than g minus 1, then that is under-identified. Okay, so now how can we calculate is, we have to find out n values, then k value, then g values. So n is the total number of variables in the equations, total number of variables. So this one 1, 2, 3, 4 x to 5, then this was again repeated numbers x 2, then x 3. These are the total variables 1 2 3 4 5 6. Then k is the respective equation जो कि equation पूछा गया है question में, उसमें कितनी variables है. So one is this y 2, 1 2 3, 4. ओके, रेस्पेक्टिव इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है 4. जी टोटल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इक्वेशन इज दैट इज 3. एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स. के इज़ द रेस्पेक्टिव इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं. रेस्पेक्टिव इक्वेशन मतलब जो भी इक्वेशन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे टू इक्वेशन नंबर टू का जो इक्वेशन का वैल्यू पूछा गया है उसको चेक करना है तो वो है. एंड जी इज़ द टोटल 1 2 3. अगर 5 होता तो यहाँ पे 5 होता. ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ एन माइनस के एंड जी माइनस 1. ओके, एन इज़ आर 6, के इज़ आर 4, देन जी इज़ आर 3 माइनस 1. सो 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2. सो दैट दिस वुड बी इक्वल. दैट मीन्स द सेकेंड इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड. ओके, दिस इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड. ओके, अगर हमें इक्वेशन 1 पूछा गया होता तो वैसे ही हम वेरिएबल्स ले लेते 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे हमारी k की जो वेरिएबल्स हो जाती वो 5 हो जाते, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का पूछा गया है. बाकी दो जो है वो सेम रहते. ठीक है, सो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द आंसर. थैंक यू.